जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है गर्मी बहुत बढ़ चुकी है और हम आज रेस्क्यू करने वाले हैं एक ततैया की। ततैया या फिर इसको भौरा कहते हैं, ये पीला भौरा होता है। हम रेस्क्यू करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। ये पानी में गिर गया था कुछ देर पहले, ये तड़प रहा था, लेकिन अब हम इसको निकालना चाहते हैं और इसको देखेंगे कि क्या ये ज़िंदा बचा है या नहीं। तो चलिए इसको रेस्क्यू किया जाए और यहाँ से हमने ये डंडे के माध्यम से इसको बाहर निकालने का कोशिश किया जा रहा है। नहीं फंस पाया है, फिर से ट्राई करते हैं। पानी थोड़ा सा गंदा है और हम इसको बाहर निकालने की पूरी प्रयास करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये और ये हमने सक्सेसफुली इसको बाहर जो है निकाल लिया। चलिए अब इसका देखते हैं कि क्या ये ज़िंदा है। तो दोस्तों ये बता दें कि ये अब ज़िंदा नहीं बचा है, इसको रेस्क्यू करने का कोई मतलब नहीं निकला। ये जो है अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन चुका है। मैं एक बार फिर से इसको ट्राई करता हूँ, क्या पता ये किसी भी एंगल से अगर थोड़ा बहुत भी पॉसिबल हो इसे बचाया जा सके। कुछ मूवमेंट तो ज़रूर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसके, चूंकि बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा जा चुका है, कुछ मूवमेंट आप भी देख पा रहे हो, बट इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बचाया जा सके, पर ये अभी लगता नहीं है कि ये बच पाएगा। ये ख़त्म, ये अभी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर से गुजर चुका है। तो ये आपने देखा दोस्तों, हमने ततैया या पीला भौरे का रेस्क्यू करने की कोशिश की आज पानी के माध्यम से, बट ये जो है पहले ही इनका लाइफ जो है वो समाप्त हो चुका है। ये आप देख पा रहे हो, इट इज़ नो मोर अवेलेबल।